नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में करोड़पति प्रत्याशियों ने खर्च में दिखाई कंजूसी, जानिए किस उम्मीदवार ने कितने रुपए उड़ाए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों का चुनाव आयोग के अपने खर्चों से संबंधित लेखा जोखा देने का सिलसिला जारी है। 2533 प्रत्याशियों में से अब तक 2438 प्रत्याशियों ने लेखा जोखा दे दिया है, वहीं 95 प्रत्याशियों ने अब तक लेखा जोखा नहीं दिया है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों को खर्च की लिमिट 40 लाख रुपए तय की थी, लेकिन किसी प्रत्याशी ने इतनी राशि खर्च नहीं की है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार सबसे कम खर्च को भाजपा के टिकट पर देपालपुर से चुनाव लड़े मनोज पटेल ने किया। पटेल ने महज 18,495 रुपए ही चुनाव में खर्च किए, जबकि सैराना विधायक कमलेश्वर डोडिया ने 13,34,000 रुपए खर्च किए हैं। शिवराज चौहान और मोहन यादव ने कितने खर्च किए? चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के अनुसार पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव के दौरान 18,80,000 रुपए खर्च किए। उन्हें पार्टी फंड से 20 लाख रुपए की राशि मिली थी। इसी तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 19,67,000 रुपए खर्च किए। उन्हें भी पार्टी फंड से 20 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। शेष बचे 1,66,000 रुपए उन्होंने पार्टी फंड में जमा करा दिए हैं। इधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने स्वयं के व्यय पर चुनाव लड़ा था, उन्होंने पार्टी से फंड नहीं लिया था। धनवान प्रत्याशियों ने नहीं किए ज्यादा खर्च, प्रदेश के धनवान जनप्रतिनिधियों ने भी विधानसभा चुनाव में ज्यादा राशि खर्च नहीं की है। 242 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक संजय पाठक ने 12,63,000 रुपए में चुनाव लड़ा, जबकि 170 करोड़ संपत्ति के मालिक निलय डागा ने भी 17,52,000 रुपए खर्च किए। इसी तरह 74 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक सुदेश राय ने 33,16,000 रुपए खर्च किए। सबसे ज्यादा किसने किए खर्च? मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा राशि खर्च करने वाले जनप्रतिनिधियों में केपी सिंह 37,38,000, राजा मंदवानी 37,20,000, सिद्धार्थ कुशवाहा 35,82,000, कैलाश कुशवाहा 34,82,000, पीसी शर्मा 34,51,000 और संजन मंडलोई ने 34,16,000 रुपए खर्च किए हैं। चुनाव आयोग करता है जांच। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन के अनुसार प्रत्याशी अपने खर्च की जानकारी स्वयं देता है, चुनाव आयोग इस खर्च की जांच करता है। आयोग को लगता है कि खर्च में कोई राशि नहीं जुड़ पाई है तो प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास। शिफ्टिंग की टेंशन? अब नो टेंशन, शिफ्ट गो पैकर्स एंड मूवर्स है ना, जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक व कार को सुरक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुंचाता है। तो आप देख इस बात की आज ही संपर्क करें 8821000717।